क्या आपको पता है कि 14 स्क्विरल्स यानी 14 गिलहरियों को एक बार ईरानियन सोल्जर्स ने जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया था। और क्या आपको पता है कि अगर आपको सांप एक जगह रुका हुआ दिखे तो इसका मतलब क्या है, वो सांप कर क्या रहा है? आप गेस कर ही लिए होंगे, वो सांप सो रहा है। क्योंकि क्योंकि सांपों के पलके तो नहीं होती है, तो वो लोग ऐसे सोते हैं आंख खोल के। और क्या आपको पता है कि 1950 के पहले सिगरेट को एज अ हेल्थ प्रोडक्ट सेल किया जाता था। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो जिसको सुनकर आप कहोगे वीडियो इतना देरी से क्यों आता है, जल्दी नहीं डाल सकता है। फैक्ट नंबर 23, इस पिक्चर को आप देखो, ये है कॉन्जॉइंड ट्विंस और एबी और ब्रिटानी हेंसल, इन दोनों का नाम है। और ये जो आप देख रहे हो ये एकदम रियल है। एबी और ब्रिटानी हेंसल जो है ये जुड़वा पैदा हुई थी एंड एक बॉडी में ही जुड़वा, एंड ये अभी टीचर्स है जो कि एक्टिवली स्कूल्स में पढ़ाती भी है रियल में। इनकी स्टोरी बहुत यूनिक है। फैक्ट नंबर 22, ये जो पिक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई फोटोशॉप्ड पिक नहीं है, बल्कि जो बुल होता है, बुल उसी का एक प्रजाति है और इसे बेल्जियन ब्लू बुल कहते हैं। और जिस तरह शरीर में म्यूटेशन होता है आप सुने होंगे, वायरस, ह्यूमन, ऐसे हर बॉडी में हर ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है, वो इवॉल्व करता है। तो ये जो बेल्जियन ब्लू बुल है इसके अंदर डबल मसलिंग का म्यूटेशन आया था और इसलिए ये एकदम ऐसे दिखते हैं। और इन सांड का वजन 800 किलो तक हो सकता है, बेल्जियन ब्लू बुल। फैक्ट नंबर 21, साल 1950 मतलब आज से करीब सिर्फ 50-70 साल पहले ही ये फाइंड किया गया कि सिगरेट जो है वो हार्ट के लिए खराब है। उसके पहले helio.com का ये आर्टिकल देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि उसके पहले सिगरेट जो है वो फिजिशियन टेस्टेड और अप्रूव्ड एक हेल्थ प्रोडक्ट था। इससे लोगों का मूड अच्छा होता था और इसे हेल्थ प्रोडक्ट माना जाता था। और सिगरेट कंपनीज डॉक्टर को पैसे देती थी और ये डॉक्टर्स को कहती थी कि डॉक्टर साहब आप लोग पब्लिक को बोलो कि सिगरेट और पिए। कुछ ऐसा होता था पहले। 1950 के बाद इतनी ट्रू रिसर्च हुई इस पे और तब जाके पता चला कि सिगरेट कोई हेल्थ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ये तो ऐसी चीज है जिससे कैंसर भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 20, एप्पल कंपनी जो है वो कितना कमाती है? आप में से बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि एप्पल कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, तो अगर टर्नओवर की बात करें तो उसका कितना सेल्स है? तो देखो उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं साल 2020 के फाइनलाइज्ड एप्पल के टर्नओवर को, मतलब करीब 4 लाख रुपए हर सेकेंड एप्पल का टर्नओवर है पूरे वर्ल्ड भर में, पूरे धरती पे। अभी 4 लाख रुपए का सेल्स हुआ, अभी फिर 4 लाख रुपए सेल्स हुआ, फिर हुआ, हर एक सेकेंड 4 लाख रुपए का टर्नओवर है एप्पल कंपनी का, अगर हम लोग साल 2020 के रेवेन्यू की बात करें तो। और अभी तो और भी बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 19, सांप जो होते हैं उनका पलक नहीं होता है, इंसान का पलक होता है, इसलिए हम लोग ऐसे बंद करते हैं तो लगता है कि हाँ इंसान सो रहा है, सिस्टम है एक, बट कई जानवरों में ऐसा नहीं होता है और सांप उनमें से एक है। अगर सांप एक जगह ऐसे रुका हुआ है और बहुत देर तक रुका हुआ ऐसा आप देखो, तब समझ जाओ कि वो सो रहा है, तभी एक जगह है, उनका पलक नहीं होता है, वो लोग पलक नहीं झपका सकते हैं, बस ऐसे नींद में होते हैं। अगर इंसानों का पलक नहीं होता तो इंसान भी ऐसे सोते हैं, वो ब्रेन स्लीप कर रहा होता है बट आंख खुला रहता, इसलिए आंख खुलना इक्वल टू नहीं सो रहा है वो जानवर, ये कई जानवरों में अप्लाई नहीं होता है क्योंकि कई जानवरों के पलके भी नहीं होती है। कितने टाइप के गेकोज, लिजार्ड, ऐसे जानवरों के भी पलके नहीं होती है और मछलियों की भी नहीं होती है, इसलिए कोई सांप को एक जगह देखता है तो उसको लगता है कि वो किसी को तुरंत ऐसा हमला करने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है, कई बार वो सो रहे होते हैं, इसलिए इस चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। फैक्ट नंबर 18, ऐसे कई जीव है इस दुनिया में जिनके अंदर लाइफ का सबसे बेसिक चीज जो होता है ब्लड, वही नहीं होता है। फ्लैट वर्म्स, नेमाटोड्स, जेलीफिश, ये सब जो जानवर आप देख रहे हो इनका जो है ब्लड नहीं होता है क्योंकि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है और बॉडी में कोई फ्लूइड होता ही नहीं है। और जो स्टार फिश मछली होती है इसके भी अंदर ब्लड नहीं होता है। फैक्ट नंबर 17, गोल्ड फिश के बारे में तो आप अपने बचपन की किताबों में जरूर पढ़े होंगे कि एक गोल्डन फिश होती है जिसे गोल्ड फिश कहते हैं। तो एक्चुअली में अगर आप गोल्ड फिश को कुछ देर के लिए अंधेरे में लाओगे ना, समुद्र से लाके अंधेरे में, अगर उसके बॉडी पे कोई लाइट नहीं पड़ेगा, भले ही वो बल्ब का हो या फिर सूरज का हो, तब ना वो अपना स्किन कलर खो देगी और व्हाइट कलर की हो जाएगी। गोल्ड फिश को अगर लाइट नहीं मिले तो वो व्हाइट कलर की हो जाएगी क्योंकि उनका स्किन सिस्टम ही कुछ ऐसा होता है कि वो लाइट का भूखा होता है, जब लाइट का कम एक्सपोजर मिलता है तो वो उनके स्किन को इम्पैक्ट करता है।
ये बहुत ही अजीब बात है, गोल्ड फिश एकदम व्हाइट कलर की एक सूखी फिश बन जाएगी अगर उसको लाइट ना मिले कुछ देर के लिए तो। फैक्ट नंबर 16, 2007 की ये घटना है, इस चीज के बारे में आप कई आर्टिकल भी देख सकते हो। जासूसी के शक में 14 गिलहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि जो इरानियन सोल्जर्स थे ना, उन्होंने ये पाया था कि इन गिलहरियों में GPS लगा हुआ है। गिलहरियों के बॉडी में GPS यूनिट्स लगे हुए थे, मतलब जानवर घुसपैठी कर रहा था। और आप ये आर्टिकल्स देख सकते हो कई कि इनको अरेस्ट कर लिया गया बाद में, मतलब एनिमल एजेंट्स का भी यूज होता है, गजब बात है। फैक्ट नंबर 15, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है ये तो आपको पता ही होगा, और इरेजर जो है वो पेंसिल के बाद ही आया। तो आपको पता है इरेजर के इन्वेंशन के पहले ब्रेड को यूज किया जाता था पेंसिल को मिटाने के लिए, पेंसिल के लिखे हुए को ब्रेड से मिटाया जाता था, गजब बात है। फैक्ट नंबर 14, ये जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देखने वाले हो वो वर्ल्ड के सबसे अमेजिंग थिंग्स में से एक है। सबको पता है कि स्मोकिंग खराब बात है, बट तब भी स्मोकर्स के लिए स्पेशल एरिया होता है जहाँ पे वो जाके स्मोक कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस की बात हो, पब्लिक प्लेस की बात हो, किसी भी जगह की बात हो। तो बात ये है कि लोगों को तब भी पता होना चाहिए ना कि डेंजरस है, मत करो, हमेशा मोटिवेट होते रहना चाहिए लोगों को कि स्मोक ना करे। इसलिए तो हर मूवी के पहले वो एड आता है कि स्मोकिंग मत करो, ताकि लोग अवेयर हो और एक डर पैदा हो कि ये कितना डेंजरस है। तो उसी से रिलेटेड ये इमेज आप अपने स्क्रीन पे देखो, इसके ऊपर आप देख सकते हो क्या बना हुआ है, ये एक स्मोकिंग रूम है और ऊपर से मस्त एक ये बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ग्रेवयार्ड के ऊपर जो ऐसे पंडित नहीं करता है जब किसी को गड़ा आता है अमेरिका में, तो सब लोग वहां पे खड़े हैं और पंडित ऐसे ही डेड बॉडी वाला जो मंत्र होता है उसको फूंक रहा है, तो ये लोग उसी के अंदर है ये डिपिक्ट करने के लिए। और स्मोकिंग करने पे ऊपर जब भी देखेंगे तो इनको अपना मौत दिखेगा, उसके लिए ये एक सीलिंग आर्ट है और स्मोकिंग रूम में ये आर्ट बना हुआ है। हर कंपनी के ऑफिस के स्मोकिंग रूम में ऐसा कुछ बना होना चाहिए ताकि कम हो स्मोकिंग। फैक्ट नंबर 13, ये कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ है जो कि ये कहती है कि आप अपने घर का लाइट बल्ब अपने से नहीं बदल सकते। ये कहा जाता है, ऐसा क्या ये ट्रू है या र्यूमर है? तो मैं आपको बता दूं उसके पीछे की कहानी कि हाँ, वहां का इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी एक्ट है, एक रूल है, एक लॉ है, और उसके अनुसार आप अपने घर का कॉम्प्लेक्स वायरिंग का काम जो है उसको एक अच्छे से पढ़ लिख के आपको लाइसेंस लेना होगा, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आप करोगे तो आप जेल में जा सकते हो, क्योंकि ये करना इलीगल है। लेकिन बात यह है कि इसका मतलब लोग ये समझ लिए थे कि हमें लाइट बल्ब सॉकेट लगाना तक अलाउड नहीं है, बट ऐसा नहीं है ऑफ कोर्स। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया नामक शहर के बारे में ये कहा जाता था। तो उस लॉ में ये लिखा है कि सॉकेट लगाना, फ्यूज निकालना, लाइट चेंज करना, ये सब तो नॉर्मल चीज है, तो ये एग्जेम्प्टेड है, ये कर सकता हर कोई। बट विक्टोरिया शहर में स्पेशल एक्ट के तहत बाकी काम कोई नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 12, कितने महंगे महंगे लकड़ी है इस दुनिया में, मजबूत लकड़ियां जिससे कितने चीजें बनती है, बट इस दुनिया का सबसे महंगा लकड़ी कौन है? तो वो है अफ्रीकन ब्लैक वुड। अफ्रीकन ब्लैक वुड जो है ये वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट और डेंसेस्ट वुड है, सबसे घना और सबसे हार्ड वुड, और बहुत सारे महंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये यूज होता है। और इसकी कीमत की बात करें तो 1 किलो लकड़ी, मतलब करीब इतना लकड़ी रहेगा, तो उसका कीमत है 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए पर केजी, ये कॉस्ट है अफ्रीकन ब्लैकवुड लकड़ी का। फैक्ट नंबर 11, नॉर्मल पांडास जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, आपको पता ही होगा, बट आपको पता है ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये वर्ल्ड का इकलौता ब्राउन पांडा है। इसके अंदर एक बहुत ही रेयर जेनेटिक म्यूटेशन है जिससे इसका जो कलर है वो ऐसा हो गया है, और ये सुनने में कोई खास बात नहीं लग रही होगी, बट बात यह है कि इस वर्ल्ड का, पूरे विश्व का इकलौता ब्राउन पांडा यही है, जो सिर्फ एक ही है पूरे दुनिया में। That's amazing. Fact number 10. क्या आपको पता है कि जो डिस्क शब्द होता है, डिस्क, वो एक्चुअली में दो होता है, DISC और DISK, दोनों में अंतर क्या होता है? तो एक बहुत ही अमेजिंग सा आपको टेक्निकल बात बता देता हूँ कि जो डिस्क विथ के है ये पुराने जमाने का डिस्क है, और जो एनालॉग स्टोरेज मीडियम होते थे जैसे फ्लॉपी डिस्क, उनके लिए यूज किया जाता है, और जो DISC है ये मॉडर्न वाला डिस्क है, इसका मतलब डिजिटल स्टोरेज मीडियम लाइक CD, DVD, ब्लूरे डिस्क एक्सेट्रा, इसलिए ब्लूरे डिस्क होता है, डिस्क नहीं, पुराने जमाना नया जमाना, यही अंतर है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो ताजमहल है उसका जो बेस है, फाउंडेशन नीचे वाला, वो एक्चुअली में लकड़ी से बना हुआ है, रियली
मुगल एरा में वुड का ही इस्तेमाल किया गया था ताजमहल का फाउंडेशन देने के लिए। और दुनिया के 7 अजूबों में से ताजमहल, इंडिया का अपना ताजमहल ही इकलौता अजूबा है जिसका फाउंडेशन लकड़ी से बना है और आज तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ साल पहले ऐसी खबरें और न्यूज रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो टूटने वाला है, बट अभी तक सब कुछ ठीक है। इबोनी नाम का एक लकड़ी होता है और इसे हिंदी में आबनूस की लकड़ी भी कहते हैं और एलिजिडली इसी को यूज किया गया है। और हिंदू साइंस ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इबोनी ही एक ऐसी लकड़ी है जिसमें सारे 5 एलिमेंट्स एसोसिएटेड है, एयर, अर्थ, वाटर, फायर और स्काई। और इबोनी लकड़ी का भी बहुत हाई डेंसिटी होता है और इससे और एक बार हमें प्रूफ मिल जाता है कि पुराना जमाना का जो लोगों का सोच था, जो इफिशियंसी था काम का, जो नॉलेज था, वो आज से कहीं ज्यादा बेटर था। फैक्ट नंबर 8, घर के पास गली होता है और उस गली का एक नाम होता है कि अरे वो ये इस इलाके की चौथी गली, या फिर एक गली का भी नाम होता है कि हाँ ये गली में चल जाओ मिल जाएगी। आप सब अवेयर होंगे इसके बारे में, बट यहाँ पे बहुत एक अमेजिंग फैक्ट है। इस दुनिया का सबसे लंबा गली कितना होगा? गली अगर 1-2 किलोमीटर तक भी कोई गली हो जाए तो बोलेंगे कितना लंबा गली है। 10 किलोमीटर तक या फिर 20 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक कोई गली हो सकता है क्या? बट मैं आपको एक ऐसी गली के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि 60, 100, 200, 500, 1000 नहीं बल्कि 1896, 1896 किलोमीटर लंबा एक गली है और ये कनाडा में मौजूद है। योंज स्ट्रीट नाम है इसका और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है वर्ल्ड की सबसे लंबी गली के नाम पे। ये है लॉन्गेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड, योंज स्ट्रीट। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि अगर आप किसी सिक्के को गला दो, कितने के भी सिक्के को गला दो, तो ये एक कानूनी अपराध है। और अगर कोई प्रूफ दे दे कि ये इंसान ने ये किया है तो क्वाइंस एक्ट 2011 के तहत 7 साल तक की कैद भी हो सकती है। मतलब जो कॉइन्स सर्कुलेशन में है इंडिया में उसको किसी को गलाने का हक बिल्कुल भी नहीं है। कॉइन को मेल्ट करके कुछ और बनाना ये बिल्कुल इल्लीगल है। आप किसी भी कॉइन को मेल्ट, गला देना उसको गरम करके, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये कोई किया और कोई अगर प्रूफ दे दिया, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, तब खत्म, गया उसका जिंदगी। फैक्ट नंबर 6, राजधानी जो है हम लोग सुनते हैं 150 की स्पीड भी जाती है और जो स्पोर्ट्स कार्स होती है वो 150-200 तक जाती है और जो बाइक्स होती है सुपर बाइक्स वो 300 तक भी जाती है। तो क्या इतना फास्ट कोई चिड़िया उड़ सकती है? चिड़िया के उड़ने की स्पीड अगर इधर राजधानी और इधर चिड़िया को ले ले तो क्या राजधानी ट्रेन के सामने चिड़िया फास्ट उड़ सकती है? तो आप जान लो इस वर्ल्ड में एक ऐसी चिड़िया है, पेरेग्रेन नाम है इसका और ये फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है पूरे वर्ल्ड का और ये 321 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से उड़ सकती है, राजधानी के डबल से भी थोड़ा ज्यादा। मतलब ये बर्ड अगर फुल स्पीड पे जाए तो सिर्फ 40 मिनट में ही ये दिल्ली से आगरा चल जाएगी और सिर्फ 4 घंटे में ही बंगाल से दिल्ली आ जाएगी। 200 माइल्स पर आवर मतलब 321 किलोमीटर प्रति घंटे, जबरदस्त स्पीड है इसका। फैक्ट नंबर 5, साल 2011 में एक बार भारत का एक बंदर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चला गया था एंड उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। पाकिस्तान के अथॉरिटीज एक मंकी को अरेस्ट किए थे जो कि बॉर्डर क्रॉस किया था इंडिया का और इस घटना से रिलेटेड आप कई सोर्सेस और आर्टिकल्स को देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता, बहुत कीमती कुत्ते भी होते हैं जो बहुत पावरफुल ब्रिड सब होते हैं, लो कॉस्ट के भी होते हैं, बट इस दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता जो है, जो सबसे ज्यादा दाम पे आज तक में बिका है, एक कुत्ते का डील, टिबेटियन मैसिव पपी, और ये $2 मिलियन में बिका था और ये चाइना में बिका था, मतलब ये 14 करोड़ रुपए का कुत्ता है। फैक्ट नंबर 3, फॉर्मोसन क्लाउड लियोपार्ड, ये जो आप देख रहे हो एक अमेजिंग सा जानवर, ये पहले हुआ करता था 1983 के पहले एंड ये लास्ट 1983 में दिखा था ये प्रजाति। उसके बाद कई 10-20-30 साल तक नहीं दिखने के बाद, दुनिया में कहीं भी नहीं दिखने के बाद, साल 2013 में इसको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट मान लिया गया कि ये अब दुनिया से लुप्त हो चुका है और ये जो स्पेसिफिक प्रजाति है ये अब कहीं दिखने नहीं मिलेगा। बट फरवरी 2019 में अचानक से 40 साल में पहली बार
इसी प्रजाति के एक लियोपार्ड को स्पॉट किया गया। ये बहुत ही गजब बात है। इसका मतलब जैसे एक सांप, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सांप के बारे में बताया था कि ये दुनिया में सिर्फ 20 है और शायद ये एक्सटिंक्ट हो जाए बहुत जल्दी, बट किसको पता उनका एक अपना सीक्रेट किंगडम हो। किसको पता जो ये लियोपार्ड है ये कहीं 100,000 की तादाद में कहीं छुपे हुए जगह पे हो जहां पर इंसान उतना नहीं जाता। मे बी वाइल्ड लाइफ वाले तो हर जगह घूमते हैं, बट ऐसा घटना जब होता है तो इससे एक स्पार्क, एक होप दिखती है कि कितने अमेजिंग स्पीसीज होंगे जो कि सीक्रेटली एक अपना किंगडम में जी रहे होंगे। मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट चांसेस हैं। फैक्ट नंबर 2, एलिफेंट का जो मोटा मोटा स्किन होता है, कितना इंच मोटा होता है, वो 1.5 इंच तक मोटा हो सकता है एलिफेंट का स्किन। बट अमेजिंगली नेचर ने उनको एक ऐसा एबिलिटी दिया है कि इतने मोटे स्किन होने के बावजूद भी अगर उनके बॉडी पे एक मक्खी भी बैठ गया ना, तब भी वो उनको सेंस कर लेते हैं। हाथी लोग, उनका स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है और इंसेक्ट्स और एनवायरनमेंट को और टेम्परेचर को वो बहुत ही अच्छे से सेंस कर लेते हैं। ये एलिफेंट के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है। उनका चमड़ा जो होता है, स्किन, वो बहुत मोटा होता है। आप छू के देखना एक बार कभी मौका मिले तो, बट तब भी उसको पता चल जाता है कि एक हल्का, मतलब इतना मिलीग्राम का मक्खी भी बैठा रहेगा, तब भी वो सेंस कर लेता है। नेचर ने ऐसा अमेजिंग सा चीज बनाया है। फैक्ट नंबर 1, बिग बॉस जो है वो इंडिया के सबसे पॉपुलर टीवी शोज में से एक है, बट उसमें जो सबसे मेन वॉइस होता है बिग बॉस का, वो किसका होता है? इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि बिग बॉस कभी सामने क्यों नहीं आता है, कभी पब्लिक अपीयरेंस क्यों नहीं करते हैं। और गूगल पे सर्च करने पे 2 नाम आता है। पहला आता है इनका अतुल कपूर और दूसरा आता है विजय विक्रम सिंह का। तो बिग बॉस आखिर है कौन? तो पहली बात कि बिग बॉस जो रियल में है उसको कभी ऐसे फ्रैंकली नहीं दिखाया गया है कि हाँ यही है बिग बॉस, ऐसे खुल के आज तक नहीं दिखाया गया है शो का मजा और मिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए। बट ऑफ कोर्स लोगों को पता चल ही जाता है, तो अगर सारे इंटरनेट के आर्टिकल्स को माने तो एक्चुअल में जो बिग बॉस की वॉइस है, मेन बिग बॉस की, वो है अतुल कपूर की। और जो मार्वल मूवीज में जार्विस का जो वॉइस होता है वो भी इन्हीं का होता है। और विजय विक्रम सिंह की बात करें तो ये जो है ये रूम्स में लाइव वॉइस नहीं देते हैं, बल्कि एडिटिंग के वक्त इनका वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है कि ब्रेक के बाद या फिर जो होता है आप आगे ये देखिए, ये जो बीच बीच में होता है एक स्ट्रॉन्ग वॉइस वो इनका होता है। एंड जो ओरिजिनल बिग बॉस का मिस्टीरियस वॉइस है वो अतुल कपूर का ही होता है। जो होता है ना स्टार्टिंग इतना तारीख रात 8 बजे, वो होता है विजय विक्रम सिंह, ये बीच बीच का स्निपेट्स को बोलने के लिए। एंड जो बिग बॉस चाहते हैं, जो मेन बिग बॉस का वॉइस होता है वो अतुल कपूर का ही होता है। तो ये हुआ आपका कंफ्यूजन क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ऐसी और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए।